यूट्यूब के इस चैनल में हम सभी व्यक्तियों का स्वागत करते हैं जो भी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं। तो शिक्षा जगत से संबंधित किसी भी खबर को पाने के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन जरूर एक्टिव कीजिए ताकि पल पल की पूरी अपडेट आप तक पहुँचती रहे। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, STT को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने उभर के आ रही है। जिस प्रकार से सर्टिफिकेट की जो मांग थी वो कहीं ना कहीं जो है अब बढ़ती जा रही है। और देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे खबर आई है पटना से, ये खबर जो है दोस्तों आ रही है कि STT सर्टिफिकेट का जल्दी वितरण किया जाए शिक्षा मंत्री। देखिए, शिक्षा मंत्री ने कहा है कि जो STT का जो आपका सर्टिफिकेट है उसका वितरण जो है वो जल्द से जल्द कर दिया जाए। तो 3 विषयों का बाकी रिजल्ट 1 सप्ताह के भीतर जारी करने का निर्देश। जी हाँ दोस्तों, कहीं ना कहीं शिक्षक बहाली की प्रक्रिया को लेकर अब कहीं ना कहीं अच्छी खबर सामने उभर के आती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि जिस प्रकार से एक लंबे अरसे से जो शिक्षक थे वो इंतजारी में बैठे थे कि जल्द से जल्द जो है वो नियुक्ति का रास्ता खोले, तो ऐसे में देखिए STT सर्टिफिकेट को जल्दी वितरित किया जाए ऐसा कहा जा रहा है। 3 विषयों का बाकी दे सकते हैं, 3 विषयों का बाकी रिजल्ट 1 सप्ताह के भीतर जारी किया जाए, ऐसे निर्देश जो है वो शिक्षा मंत्री ने दिया है। तो STT सर्टिफिकेट का जल्दी वितरण किया जाए शिक्षा मंत्री का ये कहना है। और देखिए, जिस प्रकार से शिक्षा मंत्री अब कहीं ना कहीं नियुक्ति को लेकर और सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती को लेकर सजग हैं, उनका कहना है कि अब जल्द से जल्द भर्ती की प्रक्रियाएं जो है वो पूर्ण की जाएगी। पटना से खबर आ रही है कि STT 2019 में हुई ऑनलाइन परीक्षा का रिजल्ट तो जारी कर दिया गया, परंतु अभी तक शिक्षक अभ्यर्थियों को सर्टिफिकेट वितरण नहीं किया गया। अभ्यर्थियों की माने तो उनका कहना है कि जब तक उन्हें सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता है तब तक आगे नियुक्ति की प्रक्रिया में वह भाग नहीं ले सकते हैं। STT 3 विषयों का रिजल्ट भी अभी रुका हुआ है। विभाग के सूत्रों के हवाले से खबर है कि शिक्षा मंत्री का कहना है कि STT 2019 3 विषयों के रिजल्ट के आ जाने के बाद सभी का एक साथ सर्टिफिकेट वितरित किया जाएगा। ऐसे में शिक्षक अभ्यर्थियों को सर्टिफिकेट वितरित करके जैसे ही छठा चरण पूर्ण हो जाएगा, सातवें चरण में STT अभ्यर्थियों की बहाली की जाएगी। 94 शिक्षक बहाली की प्रक्रिया 2 माह के भीतर निपट जाएगी। आप देख सकते हैं दोस्तों, पूरी की पूरी अपडेट जो है वो दी जा रही है यहाँ पे, और कह सकते हैं कि सर्टिफिकेट का वितरण भी जल्द से जल्द करने की बात जो है वो कही जा रही है। तो ऐसे में देखिए, बड़ी खुशखबरी सामने उभर के आ रही है और कहा जा रहा है कि STT सर्टिफिकेट का जो वितरण है वो जल्द से जल्द दोस्तों किया जाएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों, ऐसी खबर सामने उभर के आ रही है शिक्षा विभाग के जरिए कि STT सर्टिफिकेट का वितरण जो है वो जल्द से जल्द किया जाएगा और बाकी 3 विषयों का जो है वो रिजल्ट भी आपको जल्द से जल्द देखने को मिल जाएगा। तो विभाग जो है वो कहीं ना कहीं तैयारियां पूर्ण कर चुका है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अभ्यर्थियों का अगर सर्टिफिकेट सही समय पर मिल जाता है तो नियुक्ति की प्रक्रिया भी सही समय पर पूर्ण हो जाएगी। तो देखिए, साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया गया है कि छठे चरण की शिक्षक बहाली की प्रक्रिया जैसे ही पूर्ण हो जाएगी, सातवें चरण की शिक्षक की बहाली की प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी जाएगी। तो STT सर्टिफिकेट का जल्दी वितरण किया जाए शिक्षा मंत्री का कहना है। 3 विषयों का बाकी रिजल्ट 1 सप्ताह के भीतर जारी करने का जो निर्देश है दोस्तों वो दिया गया है। तो बड़ी अपडेट है आप देख सकते हैं दोस्तों, और कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द जो है इसे STT सर्टिफिकेट को जो है विभाग जो है वो जारी करने जा रहा है, और जैसे ही विभाग STT सर्टिफिकेट जारी कर देगा नियुक्ति की प्रक्रिया जो है वो प्रारंभ कर दी जाएगी। तो इसे लेकर देखिए, एक कॉल रिकॉर्डिंग भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है जो मैं आपको सुनवा देता हूँ दोस्तों अपने चैनल के माध्यम से, ताकि आपको भी यकीन हो जाए कि शिक्षक अभ्यर्थियों ने किस तरीके से शिक्षा मंत्री से वार्ता की और वार्ता में ये स्पष्ट कर दिया कि भाई जो रिजल्ट है वो जल्द जारी होगा। रिजल्ट दिया गया है सर, या उससे कम? जितना सीट अभी है उतना ना। जी, आप उसमें
बोले सर कि 76 चरण में जो बचेगा उसमें जाके दूसरे, वो तो फिर जो एक्स्ट्रा वैकेंसी बचेगा तो उसको नहीं भरेगा लोग। नहीं तो एस्टेट का तो वो तो अलग है, ये है सर जितना तो अलग है तो अलग होगा, जो बचेगा उसका वैकेंसी अलग होगा। अच्छा अच्छा सर, सर तो उसका सर अप्लाई का अभी कब तक का कुछ उम्मीद कर सकते हैं? समझ आप अभी समझे नहीं, जो बोल दिए कि छठा का कि इसका निकाल लेंगे तब उसका शुरू कर देंगे। सर एक और एक क्वेश्चन का तकलीफ नहीं है सर, पेपर जो 3 पेपर बचा हुआ है उसका रिजल्ट का सर कोई अपडेट? अभी वो निकल रहा है 17 दिन के अंदर सर। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों ने ये सुना कि भाई उन्होंने कहा कि वो निकल रहा है, लगभग एक सप्ताह के भीतर जो है वो रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया जाएगा। तो ऐसे में अच्छी खबर जो है वो सामने उभर के आ रही है, शिक्षक अभ्यर्थियों को जल्द से जल्द जो है एक सप्ताह के भीतर जो है वो जारी कर दिया जाएगा अन्य विषयों का जो रिजल्ट है। तो आप लोग तैयार रहिए। आगे भी देखिए कई सारे न्यूज़पेपरों में खबर जो है छपी हुई है, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन में, बिहार STT रिजल्ट 2021 पात्रता परीक्षा का रिजल्ट जारी होगा। दे सकते हैं दोस्तों, तो जो लिखा है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, दे सकते हैं दोस्तों, और कहा है कि इसका रिजल्ट भी दोस्तों जल्द से जल्द अब जारी होके रहेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या कुछ अपडेट आई है। तो दे सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे लिखा है कि उर्दू संस्कृत एवं विज्ञान विषय का रिजल्ट अभी जारी होना बाकी है, इसी माह में इसका भी रिजल्ट जारी हो जाएगा। देख सकते हैं दोस्तों, लिखा है कि इसी माह में इसका रिजल्ट भी जारी हो जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार इस परीक्षा के आधार पर अगले कुछ दिनों में 37,000 रिक्त पदों के लिए बहाली शुरू होगी। बिहार के शिक्षा मंत्री ने कहा है कि बहुत जल्द बहाली की प्रक्रिया पूरी कर लिया जाएगा, कोर्ट के आदेश के बाद बहाली का रास्ता साफ हो जाएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों, बड़ी अपडेट आ रही है, और देखते हैं बिहार में शिक्षक बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर आ रही है। मिली जानकारी के मुताबिक हाईकोर्ट ने शिक्षक बहाली पर लगी रोक को हटाने का फैसला किया है। तो देखिए, दो दिन पहले की न्यूज है, और जिस प्रकार से साथ ही देखिए लिखा है 15 दिन के अंदर मेरिट लिस्ट तैयार करने को कहा गया है। तो देख सकते हैं जो हाई कोर्ट से जो है वो हटा दिया गया है रोक, और देखिए लिखा खबर के मुताबिक विभाग ने शिक्षक बहाली को जल्द से जल्द पूरा करने की तैयारी शुरू कर दिया है, और लिखा है कि किसी मुताबिक बहुत जल्द STT का रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा, इसको लेकर भी तैयारी चल रही है। बता दें कि बोर्ड ने 15 विषयों के लिए परीक्षा की थी, लेकिन सिर्फ 12 विषयों का रिजल्ट अभी तक जारी हुआ है। ठीक है, तो इसका रिजल्ट भी अब जल्द से जल्द जारी होने के आसार हैं, तो कहीं ना कहीं जल्द से जल्द इसका रिजल्ट भी जो दोस्तों जारी हो जाएगा। उर्दू संस्कृत एवं विज्ञान का रिजल्ट अभी जारी होना बाकी है, इसी माह में इसका भी रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया जाएगा। तो एक अच्छी अपडेट जो है दोस्तों सामने उभर के आ रही है, और कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द अब जो है नियुक्ति का रास्ता खुलेगा, और छठे चरण की शिक्षक बहाली की प्रक्रिया जो है पूर्ण होते ही सातवें चरण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।